हरिद्वार में साधु संतों ने महासंत सम्मेलन का आयोजन किया और प्रधानमंत्री को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, जिसमें देश भर के वरिष्ठ संतों ने अखाड़ों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान देखने वाली बात ये रही कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसमें मोदी लोकसभा चुनाव से पहले बता रहे हैं कि भारत देश बीफ के निर्यात में नंबर वन है और ये दावा करते वक्त भारत सरकार को शर्म नहीं आती। इसके बाद फिर सम्मेलन की चर्चा शुरू हुई तो संतों ने कहा कि मोदी अब क्या कर रहे हैं, गौ हत्या पर आज भी प्रतिबंध नहीं लगा है। संत मोदी सरकार पर काफी आक्रामक थे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संत परंपरा को ही खत्म करना चाहती है। जहां भाजपा सरकार है वहां साधु महात्मा गुलाम हो गए हैं, इससे हम आपको उभरना पड़ेगा। राजनीतिक दल छोड़ दीजिए आप लोग, मैं तो कहता हूं महाराज सही बोलते हैं कि आप लोग राजनीतिक दल छोड़िए, चमचागिरी बंद करिए। मैं तो फिर कहता हूं कि आप विदेश भूमि है, चिंता मत, अब केवल साधु महात्माओं के धन से अगर भारत आजाद होता है, भारत बहुत धनी होता है, तो भाई कोई बात नहीं, हम तो भिक्षा मांगेंगे, फिर भिक्षा मांग लेंगे। आज देखिए हमारे जो समस्याएं, चाहे वो गो माता की रक्षा की हो, चाहे राम जन्मभूमि की हो, उनका नारा लेकर जब आप सत्तारूढ़ हो जाते हैं और वो काम नहीं होता है, तो वो नारा कोई दूसरा सच्चा आदमी भी अगर लगाए तो जनता उसका विश्वास नहीं करती। मोदी जी ने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आप खाने में चले जाइए, FIR दर्ज कराने बिना पैसे की दर्ज होगा।